कोरोना की श्रृंखला को तोड़ने के लिए 21 अप्रैल से 25 अप्रैल 2021 और 28 अप्रैल से 1 मई तक जनता कर्फ्यू लगाने का निर्णय जूम बैठक में लिया गया। कोरोना जिसने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, आज कोरोना का हाहाकार चारों ओर है तो वही मौत का आतंक भी हमें देखने को मिल रहा है। यह मंजर आज हमारे रोंगटे खड़े कर देने वाला और दिल दहला देने वाला है। इसी कोरोना के कहर से बचने के लिए और सार्वजनिक स्थान लोगों की होने वाली भीड़ पर अंकुश लगाने के लिए आखिरकार कुछ समयावधि के लिए जनता कर्फ्यू का निर्णय लिया गया है। 21 अप्रैल 2021 से 25 अप्रैल 2021 और 28 अप्रैल 2021 से 1 मई 2021 इस कालावधि में जनता कर्फ्यू लगाया जाएगा। यह निर्णय जूम मीटिंग में लिया गया। तो चलिए जानते हैं 21 अप्रैल 2021 से 25 अप्रैल 2021 तक क्या शुरू रहेगा। सभी अस्पताल, दवाइयों की दुकानें, कृषि केंद्र, पशु खाद्य दुकान, सभी शासकीय कार्यालय, बैंक, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल अंतर्गत औद्योगिक आस्थापना, घर पहुंच सेवा के साथ दूध वितरण, अखबार, एलपीजी गैस वितरण, पेट्रोल पंप और होटल से डिलीवरी बॉय के जरिए घर पहुंच सेवा शुरू रहेगी। परीक्षा के लिए आने वाले विद्यार्थी और उनके साथ उनके पालकों को अनुमति रहेगी, साथ में प्रवेश पत्र रखने का सूचित किया गया है। तो वहीं 21 अप्रैल 2021 से 25 अप्रैल 2021 और 28 अप्रैल 2021 से 1 मई 2021 इस कालावधि में क्या बंद रहेगा, आइए जानते हैं। इस कालावधि में उक्त सभी सेवा शुरू रहेगी। इसके अलावा सभी किराना दुकान, सब्जी भाजी और फल, सभी तरह के व्यापारी आस्थापना दुकान इस कालावधि में बंद रहेंगे। साथ ही चंद्रपुर जिले के सभी पान ठेला, चाय टपरी, हाथ गाड़ी, फुटपाथ पर चाइनीज के साथ अन्य प्रकार की दुकानें आस्थापना बंद रहेंगे। तभी प्रशासन ने कोरोना की इस श्रृंखला को तोड़ने के लिए सभी नागरिक, जनप्रतिनिधि और अन्य सभी दुकानदारों ने जनता कर्फ्यू का पालन करें, ऐसी विनती की है।